ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप लोग समझ लो ध्यान से। प्रिंसिपल पहले इनपुट कराओगे, फिर रेट इनपुट कराओगे, फिर टाइम इनपुट कराओगे, और उसके बाद जो सिंपल आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है? यस सर। बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा? यस, मैं जिसे पूछ रहा हूँ वो बताओ। ईशा बताइए क्या करें हम इस प्रोग्राम को, स्टार्टिंग में क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमको क्या इनपुट कराना होगा? बोलो। प्रिंसिपल, पहले हम प्रिंसिपल इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, इंट इनपुट है ना, और यहाँ लिखते हैं इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। बोलो, किसी का किसी को दिक्कत है तो बोलो। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। अब क्या इनपुट कराना होगा? यस निवेश, टेल मी, अब क्या इनपुट कराएं? निवेश बताओ क्या इनपुट कराएं अब? स्नेहा सिंह बताओ क्या इनपुट होगा आप जी? रेट होगा, रेट इनपुट करा लीजिए। रेट इन, अच्छा रेट जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो इसको आप चाहो तो फ्लोट में भी करवा सकते हो, है ना। अभी इंच पे ही चलते हैं। चलो, अगर फ्लोट वैल्यूज करो तो फ्लोट वैल्यूज भी इनपुट करा सकते हो, फ्लोट लिख देंगे। ठीक है, इंटर के जगह इंटर रेट। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। दो बार ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या इनपुट कराना है? टाइम, टाइम तो हमारे पास दिया ऑलरेडी गिवन है। टाइम हमारे पास क्या है प्रोग्राम में? ऑलरेडी क्या है गिवन है? टाइम इक्वल टू कितना दिया हुआ है? फाइव इयर्स। टाइम इक्वल टू दिया है फाइव, हम लिख दिए फाइव। फॉर्मूला क्या लगाना है? सिंपल इंटरेस्ट अंडर स्कोर इंटरेस्ट। अगर ये अंडर स्कोर मैं नहीं लगाऊ, यहाँ से हटा दू तो क्या होगा? इनवैलिड। ये वेरिएबल क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा ना, इनवैलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा फॉर्मूला में? प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल उसके बाद इनटू रेट, रेट इनटू इनटू टाइम। अभी देखो इसमें एरर आएगा बहुत सारा खतरनाक, देखते तुम लोग समझ पाएगा कि नहीं। हाँ, अभी एरर जो आएगा तुम लोग ठीक कराएगा मेरे से, हम नहीं करेंगे। हम बहुत सारा एरर छोड़ रहे हैं प्रोग्राम में, एरर फाइंड करने भी आता है एग्जाम में, ये भी बता दे रहे तुम लोग को। बहुत सारा एरर किए हैं, अभी तुम लोग एक एक करके इसको सॉर्ट आउट करोगे, हम पूछेंगे वन बाय वन। घबराना मत कि भाग जाए क्लास छोड़ करके अब सर पूछना चालू कर दिए, तो बता दे रहे पहले। ठीक है, अब प्रिंट, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, और क्या प्रिंट करना होगा? सिंपल है ना, और यहाँ लिखना होगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दी, अब इसको सेव कर लो प्रोग्राम को। तो फाइल में गए, सेव कर लिए, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं हम। सिंपल, सिंपल नहीं लिखेंगे, जो है पेज नंबर वही लिख दे रहे हैं। पेज कितना है जी? 5.16 5.16 .py। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, एरर, अब आप लोग देखो क्या क्या आता है। इनवैलिड सिंटैक्स, समझ में आ गया क्या एरर है सबको? नौशीन बताओ ना क्या एरर है, जरा नौशीन बताओ क्या दिक्कत आ गया? इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, बोलो क्या एरर है? यू कैन टेल मी। यहाँ पे स्पेस नहीं होता वेरिएबल नेम में, ठीक है, या तो आप दोनों को सटा कर लिख दो या बीच में अंडर स्कोर लगाओ। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखे, अब यहाँ पे भी ठीक करना होगा, यहाँ पे भी इसको अंडर स्कोर लगा दीजिए। ठीक है, अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। अब रन कर गया, रन होने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिखा मान लो 2000। रेट, रेट लिखा मैंने 5%। टाइम कितना? चलो नहीं हुआ कैलकुलेट, टाइम इज नॉट अलाउड। अब बताओ क्या एरर है?
नेम एरर, टाइम इज नॉट डिफाइंड, बताइए क्या एरर आया? टाइम सर कैपिटल लिख दिए। अरे वाह बड़ा तेज है तुम लोग, यहाँ पे टी कैपिटल लिखा मैंने, यहाँ पे टी स्मॉल लिखा, तो वो तो नाम चेंज हो गया ना दोनों वेरिएबल का। हम लोग पढ़े थे ना वेरिएबल नेमिंग में, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग वेरिएबल का नाम हो जाएगा। यहाँ पे टी कैपिटल से लिखा है, यहाँ पे टी स्मॉल में लिखा है, तो दोनों को एक बनाना होगा, तो यहाँ टी को ही हम कैपिटल कर दिया। एरर समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो अब फिर से रन करें। प्रिंसिपल अमाउंट लिखे 2000, रेट लिखे 5, कैलकुलेशन आया 500। देखो तो सही कैलकुलेट किया है जी, हमको तो लग रहा है सही किया होगा, सही किया है कैलकुलेट? आउटपुट देख के बताओ, बोलो। ये आउटपुट लिखने के लिए मैंने 3 डॉट 3 कोट्स का यूज किया है, ठीक है? ये आउटपुट प्रिंसिपल 2000, रेट 5% दिया, टाइम 5, तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है? यस सर। समझ में आया? किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा एक प्रोग्राम तुम लोग हमको लिख के बताओ, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन एक है, लिखो तो सबको अपने अपने कॉपी में क्वेश्चन, ये वाला सबको अपने अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखो। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टाइम इनपुटेड इन मिनट्स, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टाइम इनपुटेड इन मिनट्स इनटू आवर्स। सब व्हाट्सएप में हमको भेजो तो जी, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सॉल्व करके इस प्रोग्राम को लिख के। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टाइम इनपुटेड, सॉल्व द कैप्चा, तो वॉच कर दिया, सॉल्व द कैप्चा भी रखिए। क्वेश्चन बोलिए ना फिर से। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टाइम, लिखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ। Write a program to convert, इसको सब लोग सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, 11C वाले 11C में, 11E वाले 11E में, to convert the time inputted। सर वहाँ only admin है सर, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज, मेरा व्हाट्सएप से जो लिंक नंबर से जाता है उस पे भेज दो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, भेजो मेरे पर्सनल में इनटू आवर्स, एंड गलत नहीं लिखेगा बता रहे, कोशिश करो सही लिखने का, पीछे वाला प्रोग्राम देखते हुए करोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है? कोशिश करो, होगा भी गलती तो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू मेक करेक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टाइम इनपुटेड इन मिनट्स, टाइम को इनपुट लेना है मिनट्स में, है ना? टाइम को किसमें इनपुट लेना है? मिनट्स में, और कन्वर्ट किसमें कर देना है उसको? आवर्स में, है ना? तो कैसे करोगे? मान लो आपको मिला 14,040 मिनट, ठीक है, उसको आवर कितना होगा उसका, और उसका मिनट्स कितना होगा, बोलो। 14,040 1440 मिनट्स आपने अगर इनपुट किया टाइम, ठीक है, तो उसका आवर्स में कितना आएगा बताओ? तो टाइम को आप डिवाइड दे दो कितना से, 60 से, तो आ जाएगा। और मिनट निकालने के लिए क्या करोगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर दोगे। कोशिश करो यहाँ बना दे। सर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करने नहीं आता। कोशिश करो तुम लोग, कोशिश करो। सर एक बार नंबर रिपीट कर दीजिएगा, क्या बोले थे? क्वेश्चन हम बोले हैं आप लोगों को सर, क्वेश्चन सर नंबर जिसको बोले सर, नंबर कुछ भी ले सकता है। नंबर 1440 मिनट सर। अरे वो तो कुछ भी इनपुट कराओगे वो आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या इनपुट करने बोला है? टाइम, तो टाइम को इनपुट कर